हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑफिशियल बाबा। आज मेरा प्लान बनता है दोस्तों के साथ बाहर जाकर डिनर करने का, तो हम जल्दी से उठाते हैं अपनी गाड़ी की चाबी और करते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट और निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ तफरी मारने दिल्ली की सड़कों पर। सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए हम लोग लगाते हैं अपनी सीट बेल्ट और हमारे साथ है मामा श्री अंकित पांडे और हमारे दोस्त जतिन। जतिन भैया डिनर को लेकर इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि वो घर से अपनी मिर्ची का इंतजाम करते हुए चल रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पे हमारे एक और महानुभाव दोस्त हमको ज्वाइन करते हैं जिनका नाम है संजीव, और ये बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इनकी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। तो हम इन्हें बताते हैं कि आप व्लॉग में आने वाले, बधाई हो। रास्ते में बहुत सारी वार्तालाप करते हुए हम पहुंच जाते हैं दिल्ली के करोल बाग और हमें दर्शन होते हैं दिल्ली के मशहूर मेट्रो वाले हनुमान जी के। इनसे ब्लेसिंग्स लेके हम आगे बढ़ जाते हैं राजेंद्र प्लेस गुरुद्वारे की तरफ और वहां से आगे जाते हैं राजेंद्र प्लेस मार्केट में। यहाँ की भीड़ से रूबरू होते हुए हमने अपनी गाड़ी को किया पार्क और पहुंच गए खाने हर दिल्लीवासी की पसंद सोयाबीन चाप। अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोगों ने जल्दी से किया टेबल पे कब्जा और बैठ गए अपने खाने के इंतजार में। टाइम पास के लिए हम लोगों ने ली सेल्फी। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इतनी देर में हमारा खाना भी लग गया था हमारी टेबल पर। चल अभी खा लो। आज हमने ऑर्डर किया था अफगानी चाप, मलाई चाप, तवा चाप और साथ में तंदूरी रोटी और रुमाली रोटी। आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चाप पसंद है। इसके बाद हम लोगों ने जम के लिए अपने खाने का जायका। डिनर करते करते हम दोस्तों के बीच में ये चर्चा होती है कि किस तरीके से स्कूल में हम लोग हर रोज साथ में खाना खाया करते थे और अब साथ में खाना खाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। बचपन की मीठी मीठी यादों को याद करते हुए हम पहुंच जाते हैं मीठी मीठी कुल्फी खाने। वैसे भी खाने के बाद मीठा ना हो तो खाना अधूरा ही समझो। मुझे पता है अब तक हमें कुल्फी खाता हुआ देखकर आपका भी मन कुल्फी खाने का कर ही गया होगा। अब कलयुग का समय है तो हमें भी पानी खरीद के पीना पड़ रहा है और जतिन भैया हमारे बोतल पकड़ के ऐसे खुश है मानो वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और इधर संजीव भैया बनारसी पान खा के अलग ही स्वैग में चल रहे हैं। संजीव का बचपन आज फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। उसके हाथ के चिप्स के पैकेट उसके बचपन की कहानी बयां कर ही रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ हम वापस चलते अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी को करते हैं अनलॉक और बैठते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। गाड़ी में बैठकर मैंने टेस्ट किया मित्र संजीव द्वारा लाई गई पान फ्लेवर कैंडीज को, जो वाकई में अद्भुत थी। वो बात अलग है कि कुछ देर बाद मुझे अजीब लगने लगी। गाड़ी में बैठे बैठे कैमरा को अपने सिग्नेचर पोजेस देते हुए हम सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो हम सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हर कॉमन दिल्ली वासी की तरह हम भी इंडिया गेट घूमने जाएंगे। इंडिया गेट जाते हुए रास्ते में हमें दर्शन हुए गुरुद्वारा बंगला साहिब के। गुरुद्वारे पे शीश नवाते हुए कुछ आगे चलने पर हमें दिखा होटल शंग्रीला और वहाँ की नाइट पार्टीज का ख्वाब देखते हुए हम इंडिया गेट की तरफ अग्रसर हुए। गाड़ी में लगी लाइट्स और संगीत का लुत्फ लेते हुए हम अपनी स्वीट मेमोरीज को बुनने मस्त इंडिया गेट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। संगीत और रास्तों के इस कॉकटेल का मजा लेते हुए फाइनली हम पहुंच गए इंडिया गेट। वैसे तो सभी को इंडिया गेट की टाइमिंग्स के बारे में पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि इंडिया गेट सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9:30 तक ओपन रहता है। हालांकि लोगों के आने का सिलसिला 9:30 के बाद भी चालू रहता है और उन्हें इंडिया गेट का दूर से दीदार करके सुकून करना पड़ता है। लेकिन 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 अपने दिल को छोटा मत करिए, 9:30 के बाद भी आप इंडिया गेट के आसपास कर्तव्य पथ पर चहलकदमी करते हुए फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो हम भी अपने दैनिक कर्तव्य से थोड़ा समय निकालकर चल दिए कर्तव्य पथ पर चहलकदमी करने। आज हमारे संजीव भैया के साथ यहाँ छोटा सा स्कैम हो जाता है, आप भी ध्यान लगा के सुनिएगा ताकि आपके साथ ये स्कैम ना हो। होता है यूं कि संजीव भैया को लगती है प्यास और वो खरीदते हैं वाटर बोतल। संजीव भैया 20 रुपए का एक नोट फेरी वाले को थमाते हैं और उसके काउंटर पर रखी एक बोतल पानी उठा लेते हैं, और यहीं से फेरी वाला स्कैम की शुरुआत करता है। वो बोलता है, सर वो बोतल रख दीजिए, वो काउंटर पर रखने के लिए, मैं आपको अंदर से एक नई बोतल देता हूं, और वो एक दूसरी सील बंद बोतल हमको दे देता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब हम उस पानी को पीते हैं तो पता लगता है कि फिल्टर वाटर नहीं बल्कि टैप वाटर है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो आजकल इंडिया गेट के आसपास ऐसा स्कैम बहुत हो रहा है, तो आप लोग जब भी इंडिया गेट के आसपास हैं इस स्कैम से बच कर रहे हैं। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बड़े बड़े देशों की इन छोटी छोटी बातों से रूबरू होते हुए हम वापस चल दिए अपने घर की ओर।
इस व्लॉग के हैप्पी एंडिंग में पहुंचते हुए मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचाएं। आपका प्यार ही हमें आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। तो वीडियो को बिना देरी के जल्दी से करें लाइक और जल्दी से दबाएं सब्सक्राइब बटन को। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।